स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम सर, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए CUET से लिए हमने जो लिया है वो ज्योग्राफी का जो हमारा चैप्टर है सेकेंडरी एक्टिविटी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा होगा प्राइमरी एक्टिविटी, जो कि हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसके अंदर हमने हार्डिंग गैदरिंग, हमने उसके बाद फिर एग्रीकल्चर पढ़ा, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर प्रीमेटिव और इंटेंसिव एग्रीकल्चर पढ़ा। इंटेंसिव के भी हमने दो पार्ट पढ़े। इंटेंसिव वो प्रीमेटिव को तो हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, हमने ये पढ़ा। तो अब हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी, क्योंकि ह्यूमन की बहुत सारी एक्टिविटी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और ये सारी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स। और इसी से क्या होता है, वो अपनी इनकम को जनरेट करते हैं, अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे में हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी किस तरीके से इंगेज है, उस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एड वैल्यू नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल एंड द वैल्यूबल प्रोडक्ट। मतलब ये क्या करती है, किसी भी प्रोडक्ट को वैल्यूबल बनाती है। क्या करती है, वैल्यूबल बनाती है। हाउ, अब मान लो शुगर कैन है, शुगर कैन से हमने क्या बनाया, शुगर बनाया। तो मतलब शुगर कैन तो हमें सस्ता पड़ता है, आपने देखा होगा एक 10 रुपये का गिलास हमें गन्ने का जूस मिल जाता है, लेकिन क्या एक गिलास चीनी हमें 10 रुपये की मिल सकती है, नहीं। तो उस रॉ मटेरियल के पार्ट को उसने क्या कर दिया, वैल्यू बढ़ा दी। क्यों, क्योंकि इसने अंदर उसके अंदर क्या लगाया, गुड्स एंड सर्विस। तो उसको उस तरीके से रॉ मटेरियल से दूसरी चीज़ को क्रिएट किया। जैसे मान लो सपोज अगर हम इस टेबल पे बैठे हुए हैं, चेयर पे बैठे हुए हैं, उस चेयर को क्या किया गया, पेड़ काटा, तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं थी, लेकिन जब उससे डोर बनाया गया, उससे फर्नीचर बनाया गया, उसकी वैल्यू क्या हो गई। तो ये क्या करता है, रॉ मटेरियल के फ्रेश शेप देकर उसकी वैल्यू को क्या करता है, बढ़ा देता है। क्लियर है, और उसे और अट्रैक्टिव भी बनाते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं, ऐसे ही हमारा है। अब मिठाई की बात करें, दूध का दाम और मिठाई का दाम, दोनों का दाम क्या सेम है, नहीं। उसकी बड़े मक्खन का दाम सेम है, नहीं। तो हर एक किसी की वैल्यू क्या होती है, अच्छी होती है। अब जो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर, इसे हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी कहते हैं। कॉटन इन टू द बॉल हैज़ द लिमिटेड यूज टू द आफ्टर ट्रांसपोर्ट टू यान। मतलब कॉटन से या यान से कॉटन बना लेना, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या है, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, फुल ऑफ अलाई प्रोडक्शन फ्रॉम द हैंडीक्राफ्ट टू मॉडलिंग आयरन स्टील ऑफ द स्टैम्पिंग एंड द प्लास्टिक टॉयज टू द स्लैमिंग डेलिकेट कंप्यूटर कंपोनेंट और स्पेस व्हीकल। तो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर, वो सभी चीज़ें जो कि हम हाथों से बनाते हैं, चाहे मशीनों से बनाते हैं, चाहे स्टैंपिंग करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर कंपोनेंट होते हैं, वो सारे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। तो जिसको भी बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर ही बोलते हैं, ठीक है। बोलते इन ईच ऑफ दीज प्रोसेस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर द एप्लीकेबल ऑफ पावर। इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पावर की, प्रोडक्शन की, ठीक है, स्पेशलाइज लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशलाइज लेबर चाहिए, लेकिन एक एग्रीकल्चर करने के लिए उतना स्पेशलाइज की नहीं भी होगी ज़रूरत, कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा। लेकिन मशीन चलाने के लिए, क्योंकि मशीन की एक लैंग्वेज होती है इंग्लिश, और इंग्लिश कौन जानता है, जो पढ़ता है, इसीलिए या तो फिर तजुर्बे सीख जाते हैं, रहते रहते सीख जाते हैं कि भाई ये मुझे ऑफ़ करनी है, इस टाइम पर बंद करनी है, ये चीज़ें। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर। अब मतलब क्या किया गया है, कैरेक्टराइज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हमने बताया मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले क्या होता है, स्पेशलाइजेशन ऑफ द स्केल मैथड। क्या होता है, स्केल मैथड ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अंडर द क्राफ्ट मैथड फैक्ट्री प्रोड्यूस ओनली फ्यू पीसेज विच आर मेड टू ऑर्डर। वो किस पे करते हैं, स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं, कोई भी स्पेशलाइज चीज़ बनाई जाती है। जैसे मान लो नीता अंबानी का फ़ोन है, नरेंद्र मोदी जी का फ़ोन है, तो ये स्पेशलाइज्ड ऑर्डर से बनाए जाते हैं बेटा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मेड टू ऑर्डर, जो ऑर्डर के बेस पे ही बनाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, स्पेशलाइजेशन और स्केल मैथड ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है। कॉस्ट आर वेरी हाई, क्योंकि भाई तुम्हारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनाया है। एक तुम जूता खरीदो, ठीक है, रेडीमेड, आपने शू खरीदा और आपने एक बनवाया, कौन सा महंगा पड़ेगा,
बनवाने में। ये ठीक उसी प्रकार से हो गया, हमने शादी की, शादी में हमने शेरवानी सूट ली, थ्री पीस लिया, हम रेडीमेड लें तो वो क्या पड़ता है हमें, सस्ता पड़ता है रेडीमेड, और सिलवाने के बाद क्या पड़ता है, महंगा। 3500 रुपये की सिलवाई है खाली उसकी, खाली 3500 की सिलाई है, कपड़ा अलग से, लेकिन उसके अंदर क्या 3500 रुपये तीन पीस पूरे मिल रहे हैं। तो अब ये बताओ, जो क्वालिटी ऑफ गुड्स कौन सा होगा, रेडीमेड होगा या हैंडमेड होगा जो बनवाया है हमने अपने सामने? ठीक है, हमने अपनी पसंद किया तो उसे हम बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल ऑफ मेथड। ठीक है, इसलिए इसके दाम क्या होते हैं, बहुत इसकी जो वैल्यू होती है बहुत महंगी होती है, डिमांड। अब प्रोडक्शन इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज क्वांटिटी एंड स्टैंडर्डाइज पार्ट ऑफ द वर्कर परफॉर्मिंग द ओनली, अब इसी में आओ, मशीनिज्म, मशीनिज्म में आओ। अभी मशीनिज्म क्या है, मशीनिज्म रेफर्स टू यूजिंग द गैजेट, मतलब हम किस गैजेट का यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब हमने फ़ोन बनाया तो हम जरूरी तो ना हम हाथ से बना लेंगे, तो हमें गैजेट तो चाहिए होंगे, टूल्स तो चाहिए होगा, तो हमें क्या क्या, ऑटोमेशन थिंकिंग। आप बोलते मैन्युफैक्चरिंग इज़ द एडवांस स्टेज ऑफ मशीनिज्म, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाती है, किसकी वजह से, मशीन की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है। ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज विद द फीडबैक क्लोज टू लूप कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, जितनी भी जो ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज होती है वो सारी किससे ऑपरेटेड होती है, कंप्यूटर से। भाई कंप्यूटर से उसके अंदर टाइमिंग लगा दे, इतने बार कितने समय के बाद वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जैसे लाइक हमारा वॉशिंग मशीन। क्लियर है, मशीन। अब आइए यहाँ पर हमारा, तो बोलते हैं डेवलप टू थिंक एंड द हैव द सरप्लस ऑफ द वर्ल्ड। अब आइए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, टेक्नोलॉजी मतलब अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई है, इनोवेशन हुए हैं, जिसके कारण क्या हुआ है, हमारे जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, अब जो हमारी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो गई है। तो बोलते हैं क्वालिटी ऑफ कंट्रोल और एलिमिनेटिंग ऑफ द वेस्ट, इफिशियंसी एंड द कॉम्बैटिंग द पॉल्यूशन। अब आइए हम इसी में बात करते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार्टिफिकेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल क्या है हमारा, मॉडर्न मैन्युफैक्चरर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मॉडर्न मैन्युफैक्चर हो रही है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी जितने भी हो रहे किससे बन रहे हैं, मशीन से। एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड द डिवीजन ऑफ द लेबर, लेबर को भी डिवीजन कर दिया गया है। प्रोडक्शन आर गुड्स लेस एफर्ट एंड द लो कॉस्ट, लो कॉस्ट में ज़्यादा, वेस्ट कैपिटल ज़्यादा पैसे लगाए जा रहे हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अब आपने देखा होगा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी क्या है, अलग अलग तरीके से बटी हुई है, हर जगह पे एक जैसी ही मैन्युफैक्चरिंग नहीं। मेजर कंसंट्रेशन ऑफ द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हैव द फ्लरिस्ट फ्यू नंबर ऑफ प्लेस, कई जगह पे ही है। बोलते हैं 10 वर्ल्ड के 10% में ही नेशन हैव बिकम द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर। अब हम बात करते हैं 2.5 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अमेरिका इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब इंडस्ट्रीज को किस तरीके से प्रॉफिट मिल रहा है बेटा, बाय प्रॉफिट रिड्यूसिंग द कॉस्ट, उन्होंने क्या कर दिया, कॉस्ट को क्या कर दिया है, कम कर दिया। इसके कारण से इंडस्ट्री शुड बी लोकेट एट द पॉइंट वेयर द प्रोडक्शन कॉस्ट आर द मिनिमम, इंडस्ट्री वहीं पर लगाई जाती है जहाँ पर वो आसानी से सबको सप्लाई कर सके और उसका कॉस्ट बहुत कम पड़े। आते हैं फिर उसके बाद क्या चाहिए, एक्सेस टू मार्केट, मार्केट उन चीज़ जहाँ पे वो सामान जाएगा। मार्केट मतलब क्या होता है भाई, मार्केट का मतलब ये होता है मीन टू पीपल हु हैव डिमांड फॉर दीज गुड्स, जहाँ पर वो कंज्यूमर गुड्स को लेने के लिए आता है वो मार्केट होता है। एक्सेस टू रॉ मटेरियल, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब हम क्या करते हैं, ठीक है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो एक चीज़ हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, एरिया चाहिए, फिर हमें एक्सेस टू रॉ मटेरियल, भाई रॉ मटेरियल तो बहुत ज़रूरी है।
तो रॉ मटेरियल क्या चीज़ें होती है हमारी? रॉ मटेरियल यूज टू इंडस्ट्री शुड बी चीप और ईजी ऑफ ट्रांसपोर्ट. इंडस्ट्रीज बेस ऑन द चीप बल्की वेट लूजिंग ऑफ द सेंटर लोकेटेड द क्लोज ऑफ सोर्स, जैसे स्टील मटेरियल ऑफ द सुगर सीमेंट इंडस्ट्रीज, और इसी के जरिए क्या किया जाए, दूसरी चीज़ें बनाई जाती है. और क्या चाहिए? लेबर चाहिए. और क्या चाहिए? सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, मतलब किससे चलेगी, ठीक है. और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, भाई सामान बन जाएगा तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, ठीक है. तो ये हमें नीड होती है किसी चीज़ों की. अब यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ इसको देखो बेटा, एक नंबर में और भी है ये, नहीं ये नहीं, ये देखो ये क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है. क्या है बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ अब इंडस्ट्रीज़ को क्या कैसे बांट दिया गया, साइज़ के अकॉर्डिंग. कॉटेज जो हाँ घर में होता है, अभी हम पढ़ेंगे स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, ठीक है. फिर उसके बाद इनपुट और रॉ मटेरियल कैसे होते हैं, एग्रो बेस्ड. फिर क्या होता है, मिनरल बेस्ड. मिनरल में भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, क्लियर है. आउटपुट और इनपुट ऑनरशिप के बेस पे भी होता है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हाउस होल्ड इंडस्ट्री क्या होता है, जो कि घर लेवल पे किया जाता है. छोटी छोटी चीज़ें होती है और इसके अंदर हमारे क्या क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं. कैपिटल और द ट्रांसपोर्ट डू नॉट वेल्ड मच ऑफ इन्फ्लुएंस, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा नहीं होता. फिनिश्ड प्रोडक्ट मे बी फॉर कंजप्शन, अपने कंजप्शन के लिए यूज़ किया जाता है. मतलब ये जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होती है वो अपने लिए ही घर पे ही की जाती है, मोस्टली अपने लिए ही. जैसे यहाँ आप देखोगे ये छोटे छोटे जो बाट बनाते हैं, बास्केट वगैरह, ये दिख रहा है. और उसके बाद ये देखोगे अ मैन मेकिंग द पोर्ट्स, पोर्ट बना रहे हैं वो घड़ा. उसके बाद है हमारा स्मॉल, इसके अंदर जो हमारा ये हमारा हाउस होल्ड और कॉटेज के अंदर है, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें प्रोडक्शन करते हैं. एवरी डे प्रोडक्ट प्रोड्यूस दिस ऑफ द सेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चर इंक्लूड द टूल्स फर्नीचर शूज, ठीक है, ये सारी चीज़ें, पॉटरी ब्रिक्स ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें हमारे किसके अंदर आती है, कॉटेज एंड हाउस होल्ड. अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या है? यस, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज इट प्रोडक्शन ऑफ टेक्निक प्लेस मैन्युफैक्चर वर्कशॉप एट होम और कॉटेज. टाइप ऑफ द मैन्युफैक्चर यूज द रॉ मटेरियल, इसके लिए हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल. बोलते इट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, ये थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट देता है, लेबर भी होती है इसके अंदर थोड़ी बहुत, ठीक है. ये कहाँ की जाती है, इंडिया ब्राज़ील चाइना, ठीक है, इंडोनेशिया, इन सभी जगह देखो ये चीज़ें, ठीक है. और लार्ज स्केल, भाई लार्ज स्केल के लिए हमें एरिया भी चाहिए होगा, लेबर भी पढ़ी लिखी भी चाहिए होगी, और इसके अंदर क्या होगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है, वर्कर भी स्पेशलाइज्ड होने चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए. तो ये सारी भी कहाँ है, यूरोप के अंदर सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी लार्ज स्केल, ठीक है. अब आ जाओ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द इनपुट और आउटपुट. अब इंडस्ट्रीज को इनपुट और आउटपुट के बेस पे क्या कर दिया गया है, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रो बेस्ड. अब एग्रो बेस्ड हमारे कौन कौन से हैं, एग्रो बेस्ड हम किसे कहेंगे बेटा, सुन लो, एग्रो बेस्ड हम उसे कहते हैं जो रॉ मटेरियल फील्ड एंड द फार्म इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट, जैसे हमारा फ्रूट शुगर ये सारी चीज़ें, जितनी भी फूड की चीज़ें आती हैं वो सारी हमारी किस में होगी, इसी में आएगी, ठीक है, क्लियर है. अगला है हमारा क्या, मिनरल बेस्ड. मिनरल बेस्ड क्या होता है, एग्रो बेस्ड तो हमने बताया भाई प्लांट से वगैरह से हमारा, लेकिन मिनरल बेस्ड क्या होता है, मिनरल आर द रॉ मटेरियल सम इंडस्ट्रीज फेरियस मेटालिक, मेटालिक चीज़ जैसे आयरन स्टील एल्यूमिनियम ज्वेलरी, ये सारे क्या है हमारे, मिनरल बेस्ड हैं, ठीक है. अगर आपसे पूछा जाएगा द मेटालिक आयरन इज द पार्ट ऑफ विच इंडस्ट्रीज, तो आप उसमें एग्रो बेस्ड में नहीं डालोगे, उसमें फ्रूट ये आता है एग्रो बेस्ड में, ठीक है, मिनरल में ये सारी चीज़ आती है, ठीक है बेटा, कॉपर ज्वेलरी, ठीक है. नेक्स्ट सी टाइप हमारा जो है केमिकल, केमिकल कौन सा होता है हमारा, जिसके अंदर हमारा पेट्रोलियम आ जाएगा, और क्या आ सकता है, कॉयल आ जाएगा, फाइबर आएगा, प्लास्टिक आएगा, ये सारे हमारे क्या हैं, केमिकल हैं, ठीक है, सॉल्ट सरफस पोटेशियम, ये सारे हमारे क्या हैं, केमिकल मिनरल्स हैं. फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल, फॉरेस्ट बेस्ड क्या है,
क्या क्या आएगा फॉरेस्ट में, क्या क्या मिलती है, वुड, बॉम्बू, ग्रास, पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगला हो एनिमल वेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है बताओ, एनिमल से क्या क्या मिलता है बेटा, एवरी विसाइड्स ऑफ द टस्क, और हमें क्या कहते हैं, मिल्क। अब आते हैं आउटपुट, किस बेस पे, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आउटपुट, चलो भाई आउटपुट के बाद में बताता हूँ आपको। आउटपुट और इनपुट क्या होता है, आउटपुट तो वो होता है जो हमें दिखता है ना, तो बोलते हैं स्टील आयरन और स्टील मशीन फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, क्लॉथ फॉर यूज ऑफ द कंज्यूमर, तो मतलब ये क्या है, इस तरीके से एक जो इंडस्ट्री होती है दूसरे पे डिपेंड होती है, रॉ मटेरियल फॉर द मशीन टूल्स आयरन स्टील व्हाइल इज द इट्स सेल्फ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट यूज टू मेक द अदर गुड्स, जो कोई इंडस्ट्री क्या करती है, दूसरी चीज़ बनाती है, अब इंडस्ट्री को क्या चीज़ चाहिए, मशीन किससे बनेगी, फिर आयरन किससे बनेगा, उसी मशीन में जाके, स्टील में ही जाके, तो इंडस्ट्री को भी रॉ की गुड्स की ज़रूरत होती है। अब एग्जांपल में देख लो, इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग द ब्रेड और बिस्किट्स, ब्रेड और बिस्किट बना रही है, टी शॉप, टॉयलेट्स एंड पेपर ऑफ द राइटिंग, टेलीविजन, कंज्यूमर गुड्स, नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री बेस्ड ऑनरशिप होती है, पब्लिक सेक्टर जो क्या होता है, जो किसके अंडरटेकन में होती है हमारी, वो होती है गवर्नमेंट के अंडरटेकन में, ठीक है बेटा, और दूसरा हमारा क्या होता है, प्राइवेट, जो क्या होता है, खुद इंडिविजुअल उसके मालिक होते हैं, जैसे रिलायंस, जॉइंट सेक्टर जो कि दोनों का इन्वॉल्व होता है, जिसके आगे क्या लिखा, देखो कंपनी के आगे कई जगह पे ये भी लिखा होता है पीवीटी और एलटीडी, वो क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब आ जाओ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रीजन, हाई प्रोडक्शन होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, हाई डेंसिटी ऑफ हाउसिंग, और उसके बाद इसके अंदर प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन, ये कुछ चीज़ें हैं लार्ज इंडस्ट्रीज रीजंस के, तो कुछ चीज़ें होती है। अब आओगे यहाँ पर हमारा रोहर कॉयल फील्ड जर्मनी, ये याद रखना, ये रहना रोहर, रोहर ही है होगा, अच्छा आपने दे रखा, कोई नहीं, ये रोहर है क्या, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, इसके अंदर क्या बोला गया है, रोहर रीजन है, 80% ऑफ जर्मनी टोटल स्टील प्रोडक्शन रोहर रीजन में ही है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो रोहर रीजन में ही जो क्या है इसका, रोहर इज द बेस्ट लास्ट ऑफ द प्रोडक्ट कॉयल, तो जहाँ पर किसका सबसे ज़्यादा किया जाता है प्रोडक्शन, कॉयल और स्टील का, ठीक है, और जर्मनी की सहायता से। आयरन और स्टील, आयरन स्टील की अगर हम बात करें